नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो के अंदर। देखिए, आज का जो वीडियो होने वाला है, एक 3 बेडरूम बने हुए शानदार से अपार्टमेंट का वीडियो होने वाला है, जो कि लोकेटेड है मानसूर एक्सटेंशन दादू दयाल नगर के अंदर। ये लोकेटेड है, बहुत ही प्यारे तरीके से बना हुआ है। देखिए जी, अगर बात करो अपार्टमेंट की, G+6 का अपार्टमेंट, G+5 का अपार्टमेंट होने वाला है, यानी 6 माला की बिल्डिंग होने वाली है। टोटल अगर मैं बात करूँ 48 यूनिट यहाँ पे आपको मिलने वाली। एक फ्लोर की बात की जाए, 8 यूनिट एक फ्लोर पर मिल जाती है आपको। स्टेयर्स का प्रोविजन मिल जाता है, लिफ्ट का प्रोविजन मिल जाता है, कंप्लीटली नीचे पार्किंग का स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखिए, मैं आपको पहले दिखाता हूँ उसका फ्रंट एलिवेशन, उसके बाद में आपको कराऊंगा कंप्लीट इसका टूर, उसके बताएंगे कैसे क्या साइजेस होने वाली है, क्या क्या प्राइजेज यहाँ पे होने वाली। तो एक बार देख लीजिए इसका फ्रंट एलिवेशन। तो फ्रेंड्स, आपने देखा काफ़ी खूबसूरत सा फ्रंट एलिवेशन जो कि अपार्टमेंट का मैंने आपको दिखाया। नीचे की तरफ कंप्लीट जैसे पार्किंग यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा रूफ टॉप पे आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, रूफ टॉप का एक प्यारा सा सिटिंग अरेंजमेंट के साथ एक गार्डन, जो कि आर्टिफिशियल ग्रास लगा के एक प्यारा सा गार्डन यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा बच्चों के खेलने के हिसाब से इक्विपमेंट्स भी आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, झूला जो कि यहाँ पे इक्विपमेंट्स लगा के दिए गए, आराम से आपके बच्चे आराम यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे जो है, जैसे आप ये देख पा रहे हो, इस तरफ भी लगाए गए हैं, उधर भी है, उधर भी है, और छत जो है बाकी खाली छोड़ी गई है। अगर छोटा मोटा कोई भी प्रोग्राम अगर आप करना चाहें तो वो भी इजीली पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ऊपर जो है वॉशरूम्स भी हमने यहाँ पे दे दिए हैं। तो कोई पार्टी गैदरिंग वगैरह करें तो ऊपर की तरफ भी आप पॉसिबल है। अब हम चलेंगे डायरेक्टली अपार्टमेंट जो सैम्पल अपार्टमेंट बना हुआ है उसकी तरफ, और करवाएंगे आपको कंप्लीट टूर, बताएंगे आपको साइज और प्राइस क्या कुछ होने वाली है। तो आइए कैमरामैन जी, चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे मैं अभी खड़ा हूँ, शानदार सी लॉबी जो है कि आपको यहाँ पे मिलने वाली है। जैसे मैंने बताया, एक फ्लोर पे आपको 8 यूनिट यहाँ पे मिलने वाली है। लिफ्ट का प्रोविजन कुछ इस तरीके से यहाँ पे शानदार तरीके से यहाँ पे लॉबी के अंदर ही आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब आइए मैं एक बार करवाता हूँ आपको कंप्लीट टूर, जो कि 3 बेडरूम सेम्पलेट यूनिट यहाँ पे बनाई गई है उसका। देखिए, जैसे हम लोग एंटर करेंगे इस अपार्टमेंट के अंदर, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है शानदार सा एक सोफा, जो कि यहाँ पे लिविंग एरिया के हिसाब से इसको डिजाइन यहाँ पे किया गया, एल शेप में इसको दिया गया है। लगभग 6 to 8 सीटर आपको यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट के लिए आराम से यहाँ पे स्पेस आपको मिल जाता है। बात करें तो यहाँ पे सेंटर टेबल की शानदार सी एक डिज़ाइन आपको यहाँ पे भी मिल जाती है। इस वॉल पे बात की जाए तो यहाँ पे वॉलपेपर का प्यारा सा वर्क हम लोगों ने दिया है, और फॉल सीलिंग की डिज़ाइन एक बार दिखा दीजिए, काफ़ी खूबसूरत फॉल सीलिंग की डिज़ाइन भी आपको यहाँ पे बना के दी गई है। देखिए, डाइनिंग एरिया की स्पेस की बात करूँ, ये कंप्लीट अगर आप चाहें तो लिविंग एरिया का स्पेस ही रखना चाहें तो वो रख सकते हैं, क्योंकि डाइनिंग के लिए अलग से एक सेपरेट स्पेस भी आपको इस तरफ मिलता है। बट यहाँ पे भी रखना चाहें तो 4 सीटर तक की डाइनिंग आप आराम से इजीली यहाँ पे भी रख पाएंगे। बात करें एसी फिटिंग की, तो हर जगह जहाँ जहाँ नीड है एसी फिटिंग्स आपको हर जगह वहाँ वहाँ मिलने ही वाली है। इस तरफ देखते हैं ड्राइंग एरिया के, लिविंग एरिया के सामने की तरफ, तो यहाँ पे टीवी पैनल का स्पेस मिल जाता है, जो कि वुडन का यहाँ पे काम किया गया है। आराम से बड़ा टीवी इजीली आप यहाँ पे इंस्टॉल कर पाएंगे, इतना स्पेस हम लोगों ने यहाँ पे आपको निकाल के दिया है। ठीक, ड्राइंग एरिया की इस तरफ बढ़ेंगे हम, तो जैसे मैंने बताया, अगर आप डाइनिंग वहाँ नहीं चाहते हैं, यहाँ पे लगाना चाहें डाइनिंग, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज है, आराम से 4 to 6 सीटर की डाइनिंग आप यहाँ पे लगा पाएंगे। डाइनिंग की इस तरफ देखेंगे तो ये मिल जाता है, देखिए आपको एक किचन का स्पेस जो कि एल शेप में यहाँ पे डिजाइन करके दिया गया है। ग्रेनाइट का आपको मिल जाता है टॉप, मॉड्यूलर किचन आपको दिया गया है, सामने वेंटिलेशन के लिए परफेक्ट विंडोज आपको मिल जाती है, और ये मिल जाता है टाइल्स का वर्क यहाँ पे, जिसका फायदा ये हो जाता है कि जब भी आप खाना बनाएं ऑयल वगैरह के छींटे वगैरह लगे तो आप इजीली उनको रिमूव यहाँ पे कर पाएंगे। इसी स्पेस के इस तरफ आपको हैंडवॉश के लिए एक प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है। आप देख पा रहे हैं काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, टाइल्स का वर्क यहाँ पे मिलता है, इसकी वजह से सीलन पपड़ी की कोई भी शिकायत आपको यहाँ पे नहीं आने वाली है। अब ड्राइंग एरिया की इस तरफ बढ़ते हैं सामने की तरफ, तो एक बेडरूम आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखिए, बेडरूम की साइज़ की मैं बात करूँ तो लगभग 13x12 के आसपास के बेडरूम साइज़, बड़े साइज़ में आपको बेडरूम यहाँ पे मिल जाता है। मास्टर साइज़ का बेड यहाँ पे लगाया गया है, उसके बाद भी दोनों तरफ देखते हैं तो काफ़ी अच्छा स्पेस दोनों तरफ आपको निकल के यहाँ पे मिल जाता है। पीछे की तरफ प्यारा सा वॉलपेपर का वर्क आपको यहाँ पे मिल जाता है, और एसी फिटिंग की बात करें तो यहाँ पे भी आपको एसी फिटिंग मिलने वाली है। कवर्स के स्पेस की बात करें तो डबल कवर्स के स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है, नीचे और ऊपर दोनों तरफ। कुछ एक्स्ट्रा सामान वगैरह रखना चाहें तो इजीली आप रख पाएंगे, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। बात करें सीलिंग पे, तो यहाँ पे पीओपी का प्यारा सा वर्क आपको सीलिंग पे भी करके दिया गया है। एक बार कैमरामैन जी इधर आके दिखाइए उस तरफ, यहाँ पे एक विंडो का प्रोविजन भी आपको मिल जाता है, जिससे कि सनलाइट प्रॉपर आपको मिलती रहे, वेंटिलेशन परफेक्ट आपको हमेशा मिलता रहे। अब बढ़ेंगे इसके दूसरे बेडरूम की तरफ। ये एक मास्टर बेडरूम की तरह यहाँ पे डिजाइन किया गया है। इस बेडरूम की साइज की बात करूँ तो लगभग 12x12 के आसपास की बेडरूम साइज आपको यहाँ पे मिल जाती है। इस वॉल पे प्यारा सा वॉलपेपर का वर्क, और ये देख पाएंगे आप किंग साइज का बेड लगाने के बाद में काफी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। एसी फिटिंग यहाँ पे भी आपको दी गई है, और वेंटिलेशन के लिए आपको परफेक्ट विंडो का प्रोविजन आपको यहाँ मिल जाता है। वॉशरूम एक बार दिखा दीजिए, देखिए वॉल माउंट जो है वेस्टर्न सीट वॉल माउंट के साथ यहाँ पे दिया गया है, सेरा जैसी कंपनी की फिटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। परफेक्टली वेंटिलेटेड वॉशरूम आपको यहाँ पे भी लगा के दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, हम देखते हैं और जो थर्ड बेडरूम है वो कैसा क्या कुछ होने वाला है, उसकी साइज क्या कुछ होने वाली है वो भी देख लेते हैं। जो थर्ड बेडरूम है वो एक मास्टर बेडरूम की तरह डिजाइन किया गया है, उसमें 2 बालकनी आपको यहाँ पे मिल जाती है।
लेकिन इस एरिया में इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे कॉमन वॉशरूम आपको बना के दिया गया है, जिसमें यहाँ पे वेस्टर्न सीट मिलती है, वेंटिलेशन का परफेक्ट ध्यान है, टाइल्स का भी यहाँ पे आप देख पाएंगे काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन टाइल्स का भी यूज़ यहाँ पे किया गया है। और ये मिल जाता है देखिए आपको अगेन एक बेडरूम, जिसमें आप देखेंगे काफ़ी अच्छी साइज में इस बेडरूम को डिज़ाइन किया गया है, पीछे की तरफ प्यारा सा वॉलपेपर कवर, यहाँ पे मिल जाता है कबर्ड्स का स्पेस और वेंटिलेशन के लिए परफेक्ट विंडो का प्रोविजन आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे मैंने बताया एक बालकनी का स्पेस यहाँ पे आपको बना के दिया गया है, जो कि एक बार दिखाइए, देखिए टफरन ग्लास के साथ प्यारी सी बालकनी आपको यहाँ पे बना के दी गई है, जो कि काफ़ी स्पेसियस होने वाली है। और इस तरफ भी देखेंगे तो इसी बेडरूम में इस तरफ भी आपको एक बड़ी बालकनी का स्पेस दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा स्पेसियस बालकनी होने वाली है। दिखाइए एक बार कितनी अच्छी बड़ी बालकनी आपको यहाँ पे बना के दी गई है, कम्प्लीटली काफ़ी स्पेसियस बालकनी आपको यहाँ मिल जाती है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बताया लोकेशन मानसूर एक्सटेंशन दादू दयाल नगर के अंदर ये लोकेटेड है। और साइजेस की बात करते हैं कि 3-bedroom अपार्टमेंट ही सिर्फ यहाँ पे दिए गए हैं। साइजेज जैसे मैंने बताया आपको लगभग यहाँ पे जो साइजेज होने वाली है 1210 square feet से लेके 1310 square feet की साइजेज होने वाली है। बात करें प्राइजेज की तो 41.5 lakh से लेके 45 lakh तक की अलग अलग साइज की अलग अलग प्राइजेज यहाँ पे होने वाली। अधिक जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा, वहाँ जाके आप अधिक जानकारी देख पाएंगे। और जो प्रतिनिधि है यहाँ पे जो डीलिंग करते हैं उनके नंबर भी आपको स्क्रीन पे या फिर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, उनसे जाके डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी उनसे भी आप प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन देखिए चैनल पर नए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है आपका सपोर्ट। आज और अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।